मी स्वतः प्रेक्षक म्हणून सांगतो, सहकलाकार म्हणून सांगतो, आजपर्यंत तिची जी काही प्रतिमा आहे, छबी आहे समाजामध्ये, या क्षेत्रामध्ये, सिने क्षेत्रामध्ये, कलाक्षेत्रात, ती छबी तिची आणि एकंदरीतच मुलीची छबी बदलण्यासाठी हा सिनेमा अत्यंत उपयुक्त आणि परिणामकारक ठरेल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. आणि त्यासाठी कष्टाच्या पलीकडे जाऊन, मेहनतीच्या पलीकडे जाऊन एक काहीतरी एक्स फॅक्टर तुम्हाला लागतो एखादा रोल करण्यासाठी. तो जर आला तर तुम्ही त्या यशाच्या पलीकडे काही काळ लोकांच्या स्मरणात राहता असं मला वाटतं. आणि यामध्ये सगळ्यांचेच एफर्ट आहे. परंतु सोनालीनी जी मेहनत या सिनेमासाठी घेतली ती वाखाणण्याजोगी, आणि ते आपल्याला 12 फेब्रुवारीपासून लक्षात येईलच काय आहे. मजा आहे. म्युझिक एक अत्यंत इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे या फिल्ममध्ये. आणि हे मी जसं म्हटलं, दिस इज मराठी सिनेमा, वी आर नॉट कन्फ्युज्ड अबाउट दिस. तर आय एम नॉट कन्फ्युज दॅट यु नो पीपल इन नॉर्थ इंडिया शूड सी दिस. दिस इज कोर मराठी सिनेमा, सो इट विल गेट वॉट द बेस्ट मराठी सिनेमा शूड गेट. दॅट इज वॉट वील डू अबाउट इट. एक वेगळ्या साईडनी नाही, मी बऱ्याच फिल्मना डीओपी आहे, पण एका वेगळ्या अँगलनी मला फिल्मकडे आता बघण्याचं प्रोसेस मला ती जाणून घेता आली या फिल्मच्या प्रोसेसमध्ये सगळं. आणि हे सगळे कलाकार, हे सगळे मित्रच आहेत, त्यामुळे मला त्रास नाही झाला कुठल्या गोष्टीचा. अँड आय हॅड फन अक्रॉस द फिल्म मेकिंग. आणि ही फिल्म केल्यानंतरही मी असं सांगेन की मी असं नाही की एखादा प्रोड्युसर फिल्म करतो आणि त्याचा विचारतो की नाही यार बस हो एक ही फिल्म करते, असं नाही. ही फिल्म झाल्यानंतर पण आम्ही सगळे मिळून दुसरी फिल्म करणार आहोत आणि मजा आली फिल्म करताना. हो मिस केले. अनुभव खरंच हा सिनेमा करण्याचा खूप चांगला एक हा अनुभवच आहे, आणि हा चित्रपटाचा मी एक भाग आहे हे माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे, आणि हे माझ्यासाठी एक प्राईड आहे. कारण सिनेमाचा जो सब्जेक्ट आहे, आणि हेमंत आणि समीरने एक गटसी एफर्ट आहे असं मी नक्कीच म्हणेन. आणि ह्या रोलसाठी माझी निवड केली ह्याचं सगळं क्रेडिट ह्या दोघांना जातं ॲक्च्युली, कारण ह्यांना स्वतःला एक्सपेरिमेंट करायची सवय असल्यामुळे मला हा रोल मिळाला, नाहीतर कोणी असं बघितलंच नसतं. म्हणजे समीरने पोस्टर बॉईजमध्ये मला कास्ट करून एक वेगळा रोल दिला होता, तिथे मला काहीतरी थोडंफार जमतं असं दाखवण्याची एक संधी दिली होती याने, त्यामुळे टोटली काहीतरी वेगळं या सिनेमात करूया म्हणून कॉन्शियस एफर्ट घेऊन हा रोल त्याने दिला. आणि आय होप तुम्हाला सगळ्यांना तो रोल खूप आवडेल. आणि सोनालीबद्दल जर सांगायचं झालं तर काम तर ते चांगलं करतेच, ती एक चांगली ॲक्ट्रेस आहे, ती एक स्टार आहे, नो डाऊट अबाउट इट. पण त्याहून पलीकडे एक ॲक्टरकडे जे असावं लागतं ती म्हणजे सिन्सिअरिटी आणि डिसिप्लिन. ते तिच्यामध्ये म्हणजे मी पहिल्यांदाच काम करत होतो सोनाली बरोबर, म्हणजे आम्ही फक्त इव्हेंट्सच्या निमित्ताने वगैरे भेटायचो थोडा वेळ. पण आत्ता जी सिन्सिअरिटी बघून खरंच मी खूप इम्प्रेस झालो, आणि आय वॉज बोल्ड ओवर. आणि तुम्हाला सरप्राईज वाटेल की इतकी वर्ष आम्ही सगळे काम करतो आहे पण सगळेच एकमेकांबरोबर पहिल्यांदा काम करत आहेत, त्यामुळे काम पहिल्यांदा करतात, म्हणजे मित्र ओळख आधी होती, त्यामुळे एक खूप चांगला एक फ्रेंड. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोनच उदाहरणं देतो, एक ज्यांचं नाव आहे दादासाहेब फाळके, ते मराठीच होते, आणि दुसरं उदाहरण आहे एक मुलगा होता जो म्हणाला होता हे विश्वची माझे घर, तो मराठी होता, त्याचं नाव ज्ञानेश्वर. त्यामुळे मराठी सिनेमा आणि मराठी कलाकृती ही ग्लोबलच असते. प्रत्येक ठिकाणची माती वेगवेगळी असते, त्याचा सुगंध वेगवेगळा असतो, पण शेवटी बी जे तुम्ही लावाल
जसं बी रुजवाल तसंच रोप येतं, कारण प्रत्येक मातीचा गुणधर्म हा प्रजनन करणं हाच असतो आणि तेच आहे मराठी सिनेमाचं। त्यामुळे मराठी सिनेमा मोठाच आहे, कुठल्याही ग्लोबल सिनेमा फँड्री नावाचा चित्रपट कुठल्याही ग्लोबल सिनेमापेक्षा कमी नाही आहे। सो मराठी सिनेमा हा मोठाच आहे, त्यामुळे आमचा सिनेमा हा ग्लोबलच आहे। कारण हा असा विषय जो आम्ही आज मांडतो आहे तो हिंदीमध्ये कोणाची टाप झालेली नाही आजपर्यंत मांडण्याची। तो विचार करणारा मुलगा हेमंत ढोमे मराठी आहे, ते बनवणारा मुलगा समीर पाटील हा मराठी आहे, आणि ते बनवणारे पुष्पांग आणि हादी आणि वायाकाम हे मराठीच आहे। त्यामुळे अभिमानानं मराठी फेटा घालून चालतो ग्लोबल। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत क्लियर है। एक गांव है जहाँ पे 15-20 सालों में एक भी लड़की का जन्म होने नहीं दिया है, और आज ऐसी सिचुएशन है कि इस गांव में एक भी लड़की नहीं है। इस गंभीर सिचुएशन में एक लड़की आती है इस गांव में, जो कि मैं हूँ। और ऐसा होता है ना कि सब भूखे हुए हैं, अगर लोग बैठे हो उनके सामने एक सजा हुआ खाने का खाना अगर परोस दिया जाए तो सब उस पर टूट पड़ते हैं। वैसे ही होता है कि इस रूपाली थोरात पे सारे गांव के लड़के टूट पड़ते हैं शादी के लिए। रूपाली थोरात का रोल मैंने किया है ऑब्वियसली, जो कि पोस्टर गर्ल है। अब वो पोस्टर गर्ल कैसे बनती है, फ्रॉम रूपाली थोरात इज़ द एक्चुअली जर्नी, और उसका गांव में आने का मकसद क्या है और वो किस तरह से अटक जाती है, ये एक्चुअली इस फिल्म की जिस्ट है। मैं पहली बार इस तरह की फिल्म कर रही हूँ जहाँ पे इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, मगर हीरो फिल्म का हीरोइन है। मुझे बहुत बहुत गर्व है कि इस तरह का एक इतना गंभीर मुद्दा जो एक्चुअली लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। मैं इस फिल्म का चेहरा हूँ, इसका मुझे बहुत बहुत अभिमान है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में काफ़ी सारे एक्टर नज़र आ रहे हैं और एक्ट्रेस खाली आप नज़र आ रही हैं, तो कितना स्पेशल फील कर रही हैं? बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। आई एम सो प्राउड, प्रिविलेज्ड, एंड आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे इतना प्यार कभी किसी फिल्म सेट पे नहीं मिला है। इतने सारे बॉयज़ हैं, इतने सारे मेरे दोस्त हैं, सब मुझे पूरी शूटिंग के दौरान पैम्पर करते थे। अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू कि आप अकेले हो और सब आपको रानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, हर तरह की फिल्म होती है अभी तक मराठी में मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली दादा कोंगे के ज़माने में वो इस तरह की फिल्में बनाते थे जो कि थोड़ी सी बिलो द बेल्ट कॉमेडी होती थी। अभी आजकल की फिल्में ऐसी बनती नहीं है मराठी में। आई थिंक इट्स फिल्म टू फिल्म, हर फिल्म का एक जॉनर होता है। कॉमेडी में भी बहुत सारे जॉनर्स हैं, एक है बिलो द बेल्ट कॉमेडी, एक है सिचुएशनल कॉमेडी, एक है फार्सिकल, एक है सार्कास्टिक, लेकिन इस फिल्म का जो ह्यूमर है वो बहुत ही अलग है। ये है ब्लैक ह्यूमर, और ब्लैक ह्यूमर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट, और जिस तरह से इस फिल्म का सब्जेक्ट और ह्यूमर क्या बोलते हैं मर्ज हुआ है, आई थिंक दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म। जी नहीं, फिलहाल हम बॉलीवुड वालों को मराठी में लेके आ रहे हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ऐसी फिल्म, इतनी बड़ी मराठी फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि जब हम हिंदी वालों को मराठी में ला रहे हैं तो हमको हिंदी में फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कॉमेडी फिल्म है तो सेट पे कुछ कॉमेडी सीन्स बहुत 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 कॉमेडी होती थी सेट पे, क्योंकि ये सारे एक्टर्स बहुत ही उमदा कॉमिक एक्टर्स भी हैं, उनकी सबकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मैं फिल्म में कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, मगर ऑन द सेट यस बहुत धमाल होती थी, बहुत मज़ा आता था, और उसी तरह फिल्म हंसते खेलते बन गई। क्या इंस्पायर्ड किया आपको फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा क्या सब्जेक्ट आपको खास लगा या क्या ऐसा लगा कि आप ये फिल्म प्रोड्यूस करेंगे? हिंदी पे देखिए, अगर अभी आप एक्साइटमेंट देखें कौन से सिनेमा में है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा
मराठी सिनेमा में है, और वो इसलिए है क्योंकि थिएटर्स में जब लोग आते हैं तो उस सिनेमा में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और जिस तरह की फिल्मों को आप की सक्सेस आप मराठी में देख रहे हैं वो सक्सेस इनफैक्ट आज आपको हिंदी में भी नज़र नहीं आएगी। तो सिनेमा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है थिएटर में फुटफॉल्स, और अगर वो हम देखें तो वो इस वक्त मराठी सिनेमा में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उत्साह है, एक एनर्जी है, और ऐसे टाइम पर ही आप अगर उस मार्केट में अपना कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे आपका एक स्थान बने, तो वही हमारा उद्देश्य है, और इसीलिए हम इस फिल्म को लेके आए। बहुत सी हमने हिंदी में फिल्म की है जिन्हें लोगों ने वुमेन ओरिएंटेड कहा है या दे हैव बीन हीरोइन लेड, वी डिड नॉट डू इट थिंकिंग दैट वे, बट दैट इज समहाउ एन इमेज। सो वेदर इट्स विद्या बालन, वेदर इट्स यू नो कंगना, वेदर इट्स प्रियंका, सो आई थिंक विद दैट, विद नाउ सोनाली, वी विल होपफुली बी एबल टू चेंज और एक्सटेंड दैट इन मराठी एज वेल। So that is our attempt. Let's see. So as an actress, what USP do you find in Sonali? Actress ka kya USP hai unki? See, I think she is right now ruling the Marathi audience the way at some point, let's say, a Sridevi has ruled in Hindi or a Madhuri has ruled in Hindi, where you touch a lot of people across. You have, let's say, your glamour quotient, your star quotient, but then you also have an ability to pull off some roles which need not be glamorous or which need not dwell on your star quotient, like Sridevi did in Chaalbaaz, you know. So I think Sonali is at that phase in her career where she can really do something like this and go and grow to the next level. And we hope that this is the film which will help in that journey. So in the future also you are supporting the regional film, and I'm talking about the Marathi film. We are saying regional films should support us. It's not a question of we supporting regional films. It's an important market. In India, half of the film industry, people don't realize, is actually in regional cinema. And therefore, to succeed in this cinema is extremely vital. If you don't succeed in regional, your success is not complete. हमारी जो पिछली मराठी फिल्म थी झपाट लेला, उसकी भी मार्केटिंग आपने देखी थी, और उस तरह का जो एक एक्साइटमेंट हो गया था कि पहली बार एक 3D मराठी फिल्म वो भी झपाट लेला आ रही है, तो उस तरह की मार्केटिंग सक्सेस और मार्केटिंग स्ट्रेंथ हम लोगों की, चाहे वो रीजनल हो या हिंदी हो, वो देखा गया है। इसमें भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी म्यूज़िक इज़ वेरी पॉपुलर। इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द टी वी शोज, वी आर ऑलरेडी देयर, द स्टार कास्ट इज़ ऑलरेडी बीन देयर ऑन ऑल 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स। So this film will be all over. You know, when we do a film, we do it wholeheartedly. So, हमारे लिए ये film बहुत important है, and I think that's what will show in the marketing and the way the film gets promoted as well. Thank you.